डीएनएक्स देखैया जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार जय जोहार, मनीष जी, जय जोहार। तो मनीष जी, आज हमारे सरकार के मंत्रिमंडल जिला कैबिनेट रहे जाते ओकर बैठक हो है, और वो बैठक में बहुत अकन फैसला करेगी है, तो वहाँ जो खास खास फैसला हुए है बोला हम उस संबंध में जरूर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगन भी जाना है कि अब आने वाले समय में प्रदेश में का का चल ही का नहीं चल। तो सबसे पहली तो जो भूपेश सरकार के कैबिनेट में जो फैसला हुए है उसमें सरकारी खर्च जो है वो कम करना है। अच्छा, ऐसे आदेश हुए है। अच्छा, साथ ही साथ जो विभाग मन में नया पद जो है वो नहीं भरे जाए, अच्छा। न पदोन्नति हुई और न ही कोई नया पद के निर्माण में। अच्छा, और जो बैठक वगैरह रही से विदेश यात्रा है वो भी बैन है, मतलब वो भी अब रोक देंगे, रोक देंगे वाला खर्चा कम करे खातिर। अच्छा, और विभाग में नया वाहन भी नहीं खरीदी और एक साथ साथ पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वाला भी रोके गए। अच्छा, जो इंक्रीमेंट की थे बिल्कुल, और ये इंक्रीमेंट के सरकारी अधिकारी कर्मचारी मतलब बहुत अबोरा रही थे, बिल्कुल तनख्वाह बढ़ते। हाँ, और ओकर अलावा जो विभाग में जितका भी विभाग है सरकार के, मंडल आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय या अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्था जो है वो सब में ये सामान्य रूप से लागू रही, मतलब वो मन में भी पद नहीं भरे जाएगी, ना ही कोई पदोन्नति होगी और ना ही मतलब अभी जैन चला थे जैसा चला थे वो ढंग से चली। और अभी कुछ दिन पहले तो सरकार के मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, उसके बाद आगे मैं आप लोग बोलूँ कि आप जरूर बताओ डिटेल से। ये सब आदेश जो हैं वो है 31 मार्च 2021 तक लागू है। अच्छा, ओकर बाद शायद सरकार एक और ऊपर समीक्षा करे। अच्छा, एकर अलावा और बहुत बहुत अकन चीज हवा जो मैं सरकार आदेश दे हो कैबिनेट के फैसला के तहत, तो वो मैं आशीष भैया आप बताने वाला। तो जैन आप कटौती बात करत रहे हो ना, और सरकार कैसे कम खर्चा में अपन काम चलावा है, तो कुछ दिन पहले तो सरकार घोषणा करे दे रही से कि बजट के केवल 70% लगी खर्चा करना है और बाकी पैसा सहेज के रखना है। बेरा बखत आवाड़ा अड़चन बर तो हम इलेक्शन करे लगते भाई, बिल्कुल कोरोना आ गया अचानक ओखरे से ये सब हुआ थे। तो आज जिन कैबिनेट के फैसला हुए है उसमें सबसे बड़े बात तो ये हुए है कि जब तक दुकान खुलत है वो हफ्ता में 6 दिन खुली, संगे संग जिन क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए है और वहाँ मनोरंजन के इंतजाम घलो करे जाएगी, ताकि वहाँ लोगन ऐसे लगते हैं कि हम जेब उल में धंधाए धंधाए हम करके दिन धंधाए रही। हाँ, तो कर लिए वो इंतजाम हो जाएगी मनोरंजन पर, टीवी रेडियो की व्यवस्था। हाँ, वो हो ही। अच्छा, और संगे संग एक जन मनोचिकित्सक के इंतजाम घलो करे जाएगी, कार की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी भी थे ऐसे लोगों के मानना भी से, तो एक वो एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। संगे संग जिन हमारे प्रवासी मजदूर संगवारी मनावत हैं उनकर रोजगार के सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देवे के है, ये बहुत जरूरी भाई। उमन कमाए खाए गरीब है, अब आ गए तो हाथ जुच्छा झन रहे और कमैया आदमी है ठलह बैठे नहीं सके, ते पै के उनके लिए काम वाम के इंतजाम जाग जोखा होना जरूरी है, तो सरकार है ये इंतजाम उनके लिए करी। और उम्मीद भी है, हाँ, राशन कार्ड और मनरेगा के उनकर मन के जॉब कार्ड घलो बनी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और ये फैसला करेंगे है कि जितना इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वो कंटेनमेंट जोन और जैन रेड जोन है वहाँ इला अभी अनुमति नहीं मिली। तहाँ और जैन फैसला हुआ है कि बर बिहाव की अनुमति अब तहसीलदार के जिम्मा हो गए है, मॉल, सिनेमा घर, राजनीतिक सभा, सामाजिक कार्यक्रम, एक ऊपर तो अभी भी रोक लगे है और ये रोक अभी चलते रही जब तक कोनो नवा आदेश नहीं आ जाए तब तक के। आज कैबिनेट की बैठक में ये सब निर्णय के अलावा समाज के जैन और वर्ग है ओखर बारे में भी विचार विमर्श करे गए है, बेरा बेरा में हम एकर जानकारी आप पहुँचावत रही। और अब थोड़ा सा चर्चा कोरोना के भी जरूरी है। अरे वो तो बहुत जरूरी है मनीष जी, उस संबंध में एक अच्छा बात जो है वो सामने आया है कि किसान मन आगे आके
सरकार के मतलब राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है ओमा मन दान करना चाहते हैं, ओकर लिए मन निर्धारण भी करे हैं कि एक क्विंटल के पीछे 50 रुपया जो है वो दिए। और इस संबंध में एक किसान ध्रुव के दुखत राम साहू जी हैं वो भी मिली से आज मुख्यमंत्री तक जाकर। अच्छा। और बोला शायद पहला किस्त जो है मेरे ख्याल से 1 लाख रुपया के आसपास मिले। अच्छा, अच्छा। अभी जन सरकार 21 मई के जन बांटे है बिल्कुल, अभी किसान न्याय योजना का है। और एक अलावा राजनांदगांव के किसान मन भी 69,000 अच्छा ये इकट्ठा करके दे है। अच्छा। क्विंटल के हिसाब से 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से कुछ किसान मन मिल के मिलते हैं। तो मनीष जी किसान मन हम अन्नदाता कहीं अब ओमन मन है दानदाता घलो बन गए। चलो बहुत अच्छा है भाई, दानदाता मन ला हमार जय जोहार है। और ओकर अलावा कोरोना संबंधी एक और चर्चा हम करना चाहते हैं। दो ठन वीडियो जो है वो हमारे पास आए हैं। वो वीडियो एक तो हमारे बिलासपुर रेंज के आईजी जो है दीपांशु काबरा वो अपन ट्विटर हैंडल से ट्वीट करे हुए। अच्छा। और ओमा दोनों वीडियो के समानता यही है कि दोनों में बहुत लूटपाट हुई थी। अच्छा। वो भी रेलवे स्टेशन में। अच्छा। तो दीपांशु काबरा जी जो ट्वीट करे है वीडियो में वो इटारसी कह रहे हैं जहाँ वो मतलब बांटे के लिए जो खाना लाए गए रही से वो बांटे के पहले ही लूट डिले में। ये अच्छा बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है काबर की उखरे मंदर लाए गए रही सौ। और दूसरा वीडियो भी हमारे पास आया है वो भी हम दोनों वीडियो लापला दिखाते हैं। दिखाइए मुझे। बिल्कुल आप बोला देखो। बिल्कुल देखो। और ख्याल से इसे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं है। देखो भैया कैसे है वीडियो। ये बिल्कुल संशोक बात है मनीष जी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और जौन मन भी ऐसा करे हैं ओमन मन खुदे सोचें समझें कि ये गलत हो है। मनीष जी एक ठन बड़ा हम मजेदार आप लोग किस्सा बतावा था जी। 27 मई के देश के पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी रही है जिनका हम पुण्यतिथि मना था। तो नेहरू जी 4-5 पैत रायपुर आए हैं, आज़ादी पहली फलों आए हैं और आज़ादी पर फलों आए हैं। तो इसने देश में 1951 में पहला आम चुनाव रही से जला हम लोकसभा चुने की खान। बिल्कुल। तो आए रही ने नेहरू जी और उनखर सभा हो रही से कटोरा तालाब में। तो कटोरा तालाब में जब सभा के लिए मंच में नेहरू जी आई तो यहाँ के कुछ नेता मन की अच्छा एक मजेदार बात तो हम आप लोग बतान कि वो समय कांग्रेस में दो खाड़ हो गई रही से। अच्छा। तो एक जिन कांग्रेस हिस्सा रही से जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन छत्तीसगढ़ के घलो वो मन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई रही है। तो मुकाबला बड़ा कड़ा हो गई रही से। तो रायपुर के कुछ कांग्रेस के नेता मन नेहरू जी कहीं कि भाई जैन पार्टी छोड़ के गए हैं उनखर विरोध में भी आप बहु तो छत्तीसगढ़ में अच्छा वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बने। तो नेहरू जी है बड़ा सोच बाय और ठाड़ मुंह कहने वाला आदमी भी हैं। तो नेहरू जी कहें कि देखिए जिनके खिलाफ आप मुझको बोलने के लिए कह रहे हैं उनको मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। तो ये कहे का मतलब है कि वो समय जैन राजनीति रही से ओमा मतभेद के गुंजाइश रही से लेकिन मतभेद नहीं रही से, आपस में मान सम्मान के पूरा
ध्यान रखे जावे। और नेहरू जी कभी ऐसा टाइप के राजनीति नहीं करे जैन ढंग के राजनीति हमला अभी देखे ला मिले थे कि आरोप प्रत्यारोप और कहाँ ले ओखर पक्ष में तर ओखर विपक्ष में तर वो कहाँ ले बात इतना लमात लमात कहाँ कहाँ पहुँच जाते और मुद्दा अपन जगह रह जाते। तो हमला आज नेहरू जी से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक अच्छा बात बता रही है हमारे मन में, बिल्कुल नहीं मालूम से बात जुम्मे है भाई। बिल्कुल बिल्कुल आज की जो कैबिनेट बैठक हुई से वो दौरान एक फैसला वो लेगी से। अच्छा वो मैं आप लोग बताया भुला गए हो भाई, मनीष जी आप लोग बतावा था वो फैसला था। तो वो फैसला ये है, हालांकि वो खेलैया खेल वाले मंबर है, खिलाड़ी मंबर है, खिलाड़ी मंबर है और वो भी टेनिस के खिलाड़ी मंबर है। टेनिस के एक भी स्टेडियम हमारे रायपुर में नहीं है। और अब जो उन्हें मुख्यमंत्री जी जी से घोषणा करें हैं, मतलब फैसला करें कैबिनेट में कि एक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस के यहाँ बनाया जाए। आप लोग याद हुई कि रायपुर में एक बड़े टूर्नामेंट अभी भी आयोजन होते रहते बीच बीच में, गोंडवाना कप जन राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता है। और जैसे 2018 के मैं आखिरी जो विजेता रही से उसका नाम जरूर लूँ, काबर की वो प्रयागराज से रही से। अच्छा और वो 2018 के प्रतियोगिता जीते रही से। तो हमारे यहाँ टेनिस खेलैया और टेनिस के प्रेमी मन बहुत अगर है और ओपन मन के लिए अच्छा खबर है कि एक अच्छा स्टेडियम मिली और बड़े प्रतियोगिता के भी आयोजन हुई है। और लोगन ला जो नया बच्चा मन है ओपन मन के लिए ओमन भी टेनिस के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मन आही तो लड़का मनो मन देखे जाही ऊपर से सीखे समझे मौका मिली, कोचिंग वगैरह की व्यवस्था बहुत हो सारा व्यवस्था हो। हाँ। तो ये आज के हमारे मन के जो वोट है ओकर अंतिम समाचार वही से। और अब हमारे चले के बेरा हो गए लेकिन ओकर पहले एक निवेदन फिर से कर दो। हाँ जी, हमारे जो DNX TV है वो आप मन जरूर देखो और उन्हें हमारे ये जो वोट के जो कार्यक्रम है वो जरूर देखो और सब्सक्राइब भी करो कमेंट भी करो और आपसे हो सकते हैं तो कोई वीडियो भी भेजो, हम वो वीडियो वाले शामिल कर दो। बिल्कुल शामिल करेंगे, लेकिन जिन वीडियो आवाए तेन है साफ सुथरा रहे। और आजकल जिन सोशल मीडिया में जिन फेक टाइप के रही थे ओकर से बिल्कुल बच कर रहना है। खुद जांच करके आप खुद जांच करके अलग हो जाओ। तो चले जाए मनीष जी, बिल्कुल जमो DNX देखिए मल्ला। जय जोहार, जय जोहार।